देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज और इब्तिदा में जो बारिशों से होने वाली तबाहकारियां हैं, मैं उस हवाले से कहना चाहूंगा अपने तमाम तर सिंधी और बलोच लोगों से, आवाम से, कि हमें माफ करना, हमने आपको भुला दिया। हमने आपको भुला दिया कि जो कुछ आपके साथ इस वक्त गुजर रहा है, हमने इस बात का तस्करा ना किया। हमें माफ कीजिएगा कि आज हम सब ने अपनी लाइंस के बारे में फिक्र करनी शुरू कर दी। और आज पाकिस्तान में हर खास आम महज एक बात का चर्चा करता नजर आता है कि रेड लाइन क्रॉस ना हो जाए, ये लाइन क्रॉस ना हो जाए, वो लाइन क्रॉस ना हो जाए, और हर किसी ने अपनी अपनी हदूद कायम कर ली है। ये रेड लाइन क्या है, इसको क्रॉस करना क्या है और उसके असरात क्या होते हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, जो प्रोग्राम में टॉपिक होना चाहिए था वो टॉपिक हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस अफरा तफरी की बात की जाए, जिस बेयकीनी कैफियत की बात की जाए, उसमें ये बात मुल्क की बका, मुल्क की सलामती की हो, तो फिर इस तरह के टॉपिक्स पर बात करनी पड़ती है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं कराते चलूं। जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, और साथ में हमें ज्वाइन करें चौधरी नातिक उबैद साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों ज़बरदस्त अंदाज से एनालिसिस भी करते हैं, तजिया भी देते हैं, और जियो पॉलिटिकल एतबार से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, यकीन जाने इनसे बेहतर चॉइस शायद आज के प्रोग्राम के लिए हो नहीं सकती थी। नातिक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इज इट स्ट्रेंज के इस वक्त पाकिस्तान के दो सूबे, दो बड़े सूबे, दो डिप्राइव्ड सूबे मैं कहूँ, उनमें जो सिचुएशन है आज, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हम अपने आप को इसमें शामिल रखते हैं कि हम उस तरफ बात नहीं कर रहे, हमारे पॉलिटिशियंस की बात करें, हमारे ब्यूरोक्रेसी की बात करें, कोई उस वक्त बात नहीं कर रहा। सब इस वक्त इस बात की फिक्र में लगे हुए हैं कि कौन सी लाइन और लाइन क्रॉस हो रही है और कौन सी लाइन क्रॉस नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो, और ये एक बहुत अफसरदा मामला है कि जो सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान में और सिंध में फ्लड की सिचुएशन में आई हुई है, बल्कि मैं कहूँगा कि लोअर पंजाब जो है वो भी इस सिचुएशन में अफेक्टेड है। और हम वही रेड लाइन की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि जी उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, पॉलिटिकल जो एमलगेशन जो बनी हुई है उसके ऊपर बात चल रही है, मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, हर वक्त हम उसी के ऊपर मुस्तकिल रिपीटेडली बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इदारे जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, हमने एक मेजर कैजुअलिटीज़ भी देखी इसी सिचुएशन के अंदर, एक कोर कमांडर लेवल के ऑफिसर जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो शहादत भी उन्होंने नोश की बलूचिस्तान में। तो मैं इसको मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब देयर आर नो वर्ड्स। हम जहाँ चले गए हैं, हम जिस सिचुएशन में बैठे हुए हैं इस वक्त, मतलब अफसरदा हूँ मैं, शदीद अफसरदा हूँ मैं इसके अंदर। हर सब ये रेड लाइन क्रॉस ना करना, ट्विटर पे पिछले 4 से 5 दिन से ये ट्रेंड हुआ, और उससे पहले भी ये लाइन क्रॉस करने वाली बात, सर ये क्या है लाइन, और ये लाइन के चक्कर में बड़े सारे लोग गिरफ्तार हो गए, सहाफियों को स्टूडियो के बाहर से उठा लिया जाता है, लोग घर नहीं पहुँच पाते, और फिर एक तबका जिसको हीरो बनाता है तो दूसरा तबका उसको मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन और मुल्क का गद्दार तस्लीम करने लगता है। इस तरह की खबरें आज ग्लोबल मीडिया दिखा रहा है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रेस्टिजियस डिस्कशन। एंड आपकी थोड़ी सी मैं एक बात ये कहूँगा, आपने रेन के बारे में स्टार्ट की, तो लेट्स स्टार्ट विद द रेन। थोड़ा सा एक मैं पॉइंट, देखिए रेन के हवाले से जो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी गुजर रही है और जो इकोनॉमिकल सिचुएशन गुजर रही है, कोई टॉपिक नहीं बना रहा है हमारा, कोई भी चैनल है ना उसको टॉपिक नहीं बना रहा है। जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, जो अमवात हो रही है, और 250-300 लोग बलूचिस्तान में, 300 के करीब है ना सिंध के अंदर अमवात हो गई हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हमारी एज फार एज कराची कंसर्न, हम भी है ना वो NGOs चलाते हैं, वॉइस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, तो मैं रोटरी का है ना वो रोटरी अफेयर्स का मैं चेयरमैन भी हूँ डिस्ट्रिक्ट 3271 का। तो मैं ये कहता हूँ कि ऑन रोटरी लेवल, फिर सिलानी के लेवल पे, बैतुलसलाम वाले हैं उनके लेवल पे, फिर जमात इस्लामी के लेवल पे, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी है ना NGOs हैं। सो वी आर ट्राइंग, मैं आज भी है ना फंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो वी आर ट्राइंग एट आवर लेवल
हम लोग इंशाल्लाह ताला संडे को हम VR जितनी बड़ी सिचुएशन जो कैजुअलिटी है यकीन जाने उसका नहीं, उसका तो कोई हिस्सा भी नहीं, कुछ हिस्सा भी नहीं, वो तो देखिए मैं आपको प्रोविंस का होना चाहिए वो नहीं हो रहा। पहले ऐसे रेन होता था ना तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपील जाती थी, जो कि यहाँ पर अभी है ना कोई ना हमारे ना प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी अपील की, ना किसी और ने अपील की, ना किसी बड़े लीडर ने अपील की, ना कोई है ना ज़्यादा इसको अहमियत नहीं दे रहा, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है। अब आप आपके सवाल पे आ जाते हैं, रेड लाइन। रेड लाइन हर एक की अपनी एक रेड लाइन होती है कि इससे ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। इफ़ यू से मी कि जी आप है ना मेरा आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो आप मेरे साथ एक डिस्कशन होती है, हॉट टॉपिक्स होती है, ये हॉट बातें हो जाती है, तो वो एक मेरी लिमिट होती है, मेरी अपनी लिमिट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप हाथापाई पे आ जाएंगे तो डेट विल बी माय रेड लाइन। और या बहुत से लोगों के लिए है कि आप उसके घर पे बात करना शुरू कर दे, उसके घर वालों के बारे में बात करना शुरू कर दे, तो डेट विल बी रेड लाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेड लाइन इन पाकिस्तान, तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रेन चल रहा है कि इमरान खान इज अवर रेड लाइन, बात यह है कि एक आधी कौम के लिए इमरान खान रेड लाइन है, आधी जो नहीं, मैं I would not agree with you कि आधी कौम के लिए, it is more than 70% now। जिस तरह की जो बयान देखिए, आप गलत बयानिया था है या सही बयानिया है उसको आप हटा दें, अभी जो बयानिया है वो बिक रहा है, वो चल रहा है। अभी इमरान खान इज ओनली वन, जिस तरह के बयान तो जिस तरह की युद्ध इनके साथ लग गई है, ऐसी पॉपुलरिटी मैंने है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में नेशनल लेवल पे, मैंने है ना लोकल लेवल पे तो अल्ताफ हुसैन को भी देखा है, लोकल लेवल पे मैंने भुट्टो को भी देखा है, सिंध में पॉपुलर था, पंजाब में पॉपुलर था, लेकिन नेशनल लेवल पे इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी थी, कायदे आज़म की पॉपुलरिटी डेफिनेटली थी। इस लेवल की जो लीडरशिप है ना, ही बिकम अ लीडर, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लीडर एंड नॉट ओनली हियर। और लीडर मैं इसके लिए कहता हूँ कि नॉट हियर, आज आप देखें कि यूएनओ के अंदर है ना, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि इसके साथ आपने ना टेररिस्ट का आप इसके ऊपर FIR काट दी। यार किसी जज की अगर जजमेंट से इफ आई एम नॉट एग्री, तो मैं कह रहा हूं कि मैं आईनी तौर पे इसके खिलाफ FIR करूंगा या कंप्लेन करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। तो आप उसके खिलाफ आप है ना टेररिस्ट के टेररिज्म और टेररिस्ट के ये दहशतगर्दी की FIR काट देते, तो दैट इज द रेड लाइन। इसके ऊपर आता हूं, लेकिन नाथक साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर कमेंट करें और ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान में रेड लाइन का तस्वीर हवाओं के रुख के बदल जाने से तब्दील हो जाता है। देखिए जी, रेड लाइन ना इस वक्त फर्द वाहिद की है, रेड लाइन ना किसी इंस्टीट्यूशन की है, रेड लाइन इज पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन, और जो चीज पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस करेगी वो हमारे लिए जो है वो डेंजर है, वो हमारे लिए वॉर है, वो हमारे लिए क्राइम है। ठीक है जी, इमरान खान का बयानात देना, उसके चीफ ऑफ स्टाफ का जो है म्यूटिनस रेबेलियस किस्म का जो है वो बयान देना, आर्मी को अंदर डिवीजन क्रिएट करना इज द रेड लाइन। ठीक है, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन को इंस्टिगेट करना इज द रेड लाइन। क्रिटिसिज्म इज समथिंग डिफरेंट। इंस्टिगेट खान साहब ने किया, शहबाज गिल ने किया। देखिए शहबाज गिल किसका चीफ ऑफ स्टाफ है, इमरान खान ने अपनी तकारीर में कितनी दफा अभी हाल ही जिसके ऊपर उनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, जो ये केस बना है वो किस लिए बना है? वो किसी छोटी सी बात पे नहीं बना, उन्होंने जजेस को, उन्होंने कोर्ट को डायरेक्टली जो है वो पॉइंट किया है, थ्रेट किया है, दैट इज अगेन इज अ टेररिज्म। ठीक है, अगर मैं आपको खुदा ना खास्ता धमकाता हूँ, डराता हूँ, आप पे जो है वो कोई जो है वो एग्रेसिव मूव करता हूँ, तो यू हैव द राइट to go against me in the court of law, to go against me in the police services, आप मेरे खिलाफ FIR कराएं, कोर्ट में जाएं, तो यही हो रहा है उनके साथ। देखें 75% या 70% पॉपुलैरिटी होने का मतलब ये नहीं है कि वो सही है। अगर चर्च पॉपुलैरिटी है इस वक्त खान साहब के पास होगी, अगर चर्च जो है वो 70% मुल्क में बिकने लग जाए तो क्या मतलब चर्च ठीक हो जाएगी, हलाल हो जाएगी? चर्च तो चर्च है ना, अगर जो है 70% और बैन नहीं है तो फिर हलाल ही हुई, तो वो पे खामी है, वो हलाल या नहीं है वो खामी है। ठीक है, आवाम आपने बोला यूथ, यूथ हमारा जो है, सर, मैंने नहीं कहा सर, हारून साहब ने कहा, मैं तो गुस्ताखी कर नहीं सकता सर, आप दोनों सीनियर लोग हैं, मैंने भी कुछ कही नहीं। यूथ जो है, यूथ हमारा एक प्लस पॉइंट है हमारे मुल्क का, हमारे पास यूथ की तादाद जो है वो दुनिया में ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इट्स अ प्लस पॉइंट हमारे पास, एनर्जेटिक
ह्यूमन रिसोर्स का होना, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का होना इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस, बट साइमल्टेनियसली ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि यूथ का एक्सपीरियंस, यूथ की अंडरस्टैंडिंग वो चीज नहीं होती जो मेरे साथ की है, ठीक है ना जी। अगर इनके साथ 25 साल का बंदा बैठ जाएगा या 35 साल का बंदा बैठ जाएगा तो उसकी वो इन्फो, उसकी वो समझ बूझ, उसका वो एक्सपीरियंस जो मिर्जा साहब का है वो नहीं हो सकता। जो अंडरस्टैंडिंग इनकी है वो उसकी नहीं हो सकती, तो उनको जो है मैनिपुलेट करना, जो उतार चढ़ाव एक सीनियर आदमी देख रहा होता है यकीन तौर पर 25-30 साल का शख्स नहीं देख सकता। अब अगर जो है मैं कहूं किसी एक्ट्रेसेस को आप जो है वो ला के खड़ा कर दें तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो जो है बट वो एक्ट्रेसेस की तो बात तो उनकी पॉपुलैरिटी और रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी डिफरेंट है। खान साहब की तो पॉपुलैरिटी पहले क्रिकेट से शुरू हुई, फिर सोशल वर्कर के तौर पे ही वाज क्वाइट पॉपुलर, और ये दो रोल्स तो ऐसे हैं मेरे ख्याल से इसमें पाकिस्तान का शायद किसी भी शख्स ने उस तरह से डाउट नहीं किया। मैं दो मिनट लूंगा सर आपसे। देखिए उनकी जो पॉपुलैरिटी है ना, जो पॉपुलैरिटी वो उसकी पॉपुलैरिटी आज से नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी 92 से इवन बिफोर वो फिर शौकत खानम हॉस्पिटल, फिर उनका जो पर्सोना रहा है, सवाल भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है जो उनका पर्सोना रहा है। देखिए सवाल है नहीं है इसके ऊपर, मैंने उस तरीके के नहीं है जिस तरीके के आज है। जो पर्सोना उनका जो है वो यूरोपियन जो है वेस्टर्न सोसाइटी में रहा है, डेफिनेटली ही इज पॉपुलर। और यकीनन जो आपकी जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो उससे मरूब होते हैं, मगर उसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि वो जिस नैरेटिव के ऊपर हैं या जो वो काम करना चाह रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जब वो अब एक चीज मैं आपको पॉइंट कर दूं कि आज जो है पेशावर में पीडीएम के कुछ लीडर्स के खिलाफ जो है आर्मी के खिलाफ बयान देने के ऊपर केस दायर कर दिया, ठीक है। ये केस आज क्यों दायर हुआ, ये केस पहले क्यों नहीं दायर हुआ? आप क्या मतलब, आप जो है ये रिटेलिएशन चल रही है, दो अगेंस्ट बॉडीज के खिलाफ कोई रिटेलिएशन चल रही है? अगर शहबाज गिल जो है वो जेल जाता है अपने बयान के ऊपर, तो आज उन्होंने जो है ये कर दिया, तो ये ग्राउंड पे हो रहा है ना कि पंजाब के हुदूद में मुस्लिम लीग नून की पीडीएम की जो लीडरशिप है वो एंटर नहीं हो रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस्लामाबाद में नहीं जा रही, तो हम ये तो कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग पॉइंट है ना सर। दैट इज माय पॉइंट। ये जो ग्रेट डिवाइड हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान की रेडलाइन नहीं है? मैं आपको पहले तो बात है कि देयर इज नो थ्रेट टू द कोर्ट। थ्रेट किसको कहते हैं? मैं आपको अभी मुनीर साहब बोलूं कि मैं आपको गोली मार दूं, डिफाइन करना व्हाट इज द डेफिनेशन और इन टर्म्स ऑफ लीगल डिफाइन द थ्रेट। थ्रेट इज दैट कि मैं आपको मार दूंगा, मैं आपको गोली मार दूंगा, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा, आपको मैं आपको उठवा लूंगा, आपको अगवा करूंगा, दीज आर थ्रेट। थ्रेट ये नहीं है कि मुनीर साहब आपने एक गलत बात की है, मैं आपके मैं आपको छोड़ूंगा सुने मुनीर साहब मैं आपने नहीं छोड़ूंगा नहीं भी मैं नहीं कह रहा सर मैं छोड़ूंगा नहीं भी वो भी थ्रेड है छोड़ूंगा नहीं भी वो भी थ्रेड है। मैं आपको ये कहूँ ना कि मैं आपको लीगली नहीं छोड़ूंगा या मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, दिस इज नॉट थ्रेड। आप मुझे पूरी स्पीच में बता दे उसने उस जज को क्या कहा। उस जज को उसने कहा है कि जी आईजी साहब डीआईजी साहब वी विल लॉन्च एन एफआईआर। कह रहे सियाको सबाक से हटके उनकी तकरीर पेश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही किया जा रहा है। नंबर टू रिजल्ट आप कह रहे ना ये 70% पहली तो बात ये कहता है यूथ। मैं आपको बता देता हूँ दिस इज ये जो है ना अभी जो जनरेशन आई है ना दे आर वेरी क्लेवर। और मैं आपको तो ये बच्चे नहीं, आप 11 साल के बच्चे को मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मेरा बेटा है वो यूट्यूब चैनल चलाता है 11 ईयर्स का है 7 ईयर से चला रहा है वो यूट्यूब चैनल। वो उसको मेरे को इतनी एप्लीकेशन मोर अवेयर है हाँ मोर अवेयर है मेरे से ज्यादा एप्लीकेशन है। मैं जो फोन यूज करना नहीं आता वो मुझसे ज्यादा लैपटॉप यूज कर सकता है, मुझसे ज्यादा वो टेलीफोन यूज कर सकता है। तो आज की जनरेशन को आप है ना दे आर नॉट फूल, वो देख रहे वो अंधे बेरे नहीं है वो यूथ ऐसे किसी के पीछे। अब मेरे और आपके पीछे क्यों नहीं लग गई यूथ? मैं आप बताऊँ ना इमरान खान के पीछे क्यों? आपने इन्होंने अपना है ना जवाब भी दे दिया ही इज पॉपुलर। Why is popular? पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या बताए? जितने भी लोग आए ना अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपना माल बनाया अपना घर बनाया, ठीक है ना? वो मतलब आप मैं आपको बताऊं कि वो लीगली लेकर आए उसको उसकी मैं बात करूंगा। आप उस बंदे को लेकर आ रहे हो जिसके खिलाफ FIR है जिसकी इंडिक्टमेंट होने वाली है उसको आप लेकर आ रहे हो तो फिर कहां से युद्ध आगे? सुने सर आपको मैंने टाइम दिया था ना प्लीज मुझे भी टाइम दे। आप एक बात बताएं मुझे आप मैं शहबाज गुल पे भी आऊंगा इन्होंने जो कहा है। मैं आप एक बात बताएं मरियम नवाज के ऊपर केस हुआ इंडिक्टमेंट हो गई उसको कोर्ट यानी केस प्रूफ हो गया सजा भी हो गई कोर्ट इसको कह रही है कि आपको हम बेल दे रहे हैं
आपकी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं नहीं आईन है सर, नहीं है ऐसा कोई नहीं, मुझे बताएं मुझे आईन सर, वो जो इस वक्त 10,000 बंदा इधर सेंट्रल जेल में बंदा बैठा हुआ है, मुझे आप 10 बंदों की बेल दिला दे जो अपनी सजा काट रहे हैं। सर मुझे आप एक शख्स की बात बता दे, मुझे एक शख्स की बात बता दे जिसके बारे में जेल में होने पे इतना ज्यादा शोर मचाया जा रहा हो। आज शहबाज गल साहब की जो वीडियोस आ रही हैं उनको डॉक्टर साहब कर दिखा रहे कि ये खा ले ये पी ले, सर ये तो आपको भी पता है कि आम आदमी के साथ ये तो सब नाटक हो रहा है ना। आपको जख्म क्या, आपके अदर फारूकी साहब को मारा है उसका जख्म मैंने खुद देखा है, ठीक है ना, एयरपोर्ट पे वो दिखा रहा है आपको तो 14 बंदे वहां पर आपने मार दिए हैं यार लाहौर के अंदर, ठीक है ना, क्यों नहीं केस किया, केस किया इंक्वायरी हो रही है, जीआईटी बनी है, जीआईटी बनी है, केस प्रोसीड ही नहीं हो रहा, उनकी कमर में दर्द हो जाता है, उनकी कमर में दर्द हो जाता है, वो है ना अनफिट होता है या इनका लॉयर चले जाता है, आपको पता नहीं हमारे साथ तो सर, हमारे तो हमारे लुकुना हमारे, हमारे लीगल सिस्टम में उसमें खान साहब मैं आता हूं नाटक साहब आपको हाँ। अगर हमारा लीगल सिस्टम इस बात का अहल ही नहीं है कि किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को सजा दे सके तो फिर तो ये तो आज खान साहब की बात करें कल कोई और होगा उसकी बात ही हो रही होगी, तो हो रहा है ना। मैं आपको बताऊं खान साहब को आप लीगल केस लेकर आओ ना, सही केस बनाओ ना, आप ये खड़े होंगे खान साहब सारे केसेस से 16 एफआईआर काट दी यार आप लोगों ने इनके ऊपर, 16 एफआईआर काट दी है वो केसेस फेस कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछा रहा हूं, इन्होंने एक बात बोली कि जी लेके आए हैं, कौन लेके आए हैं पीडीएम में, कौन लेके आए, किसको लेकर आए, नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि केस लेके आए सबूत लेके आए, ये कह रहे हैं जो इन्होंने एक बात बोली कि इनको हटा के जो है ये जो पीडीएम आई जिन पे बहुत सारे एफआईआर थे केसेस थे इनको लेकर, इनको कौन लेके आया आपके सामने, कौन लेकर आया आपको नहीं पता है कौन लेकर आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लेकर आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लेकर आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है आपको उनको धक्का देकर उनको इधर मिला लिया, आपको कानून देकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे बताए बाप किसने, आप मुझे बताए बाप किसने भी बनाया, बाप मार कैसे गया, आप मुझे ये बताया कि इमरान खान आपको बुरा लगने लग गया, क्यों नहीं वो निकलने, अरुण साहब बात ये नहीं, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान और एंटी इमरान खान, इट्स अबाउट What is right and what is wrong. और event to event हो सकता है कि खान साहब का एक स्टांस सही हो सकता है, अगला स्टांस गलत हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल I agree with you, इसके ऊपर बात करेंगे। और शहबाज गल साहब के साथ जो इस वक्त वीडियो मनाजिर आ रही है, पहले तो ये सवाल भी एक अहम है कि जिस तरीके से जमील फारूकी साहब की के साथ जो कुछ किया गया, सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, साथ में इस वक्त शहबाज गल साहब जो वीडियोज आ रही है, वीडियोज कौन मंजर आम पे ला रहा है, क्या एक शख्स जो कि जेल में हो, जो कैद में हो, उसकी इस तरह से वीडियोस आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, और जो आ रही हैं क्या विद हिज परमिशन और विदाउट हिज परमिशन आ रही है। फिर कल रात 12 बजे एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि उनके पार्लियामेंट लॉजिस की जो रूम है उस पर एक रेड की गई जिसमें खुद शहबाज गिल साहब को हथकड़ियां लगा के ले जाया गया, और फिर वहां पर जो मनाजिर थे वो आवाम ने देखे, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक दें, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल फेस किया था, वो सवाल ये था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सहाफती बिरादरी की बात करें, जमील फारूकी साहब का बात करें, तस्करा हो, या फिर जो शहबाज गिल साहब के साथ जो मामला चल रहे हैं, इस वक्त अभी तक वो कन्विक्टेड नहीं है, ट्रायल हो रहा है, केस है, और इस केस के क्या नतीजे होंगे ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है, कि पाकिस्तान की तारीख देखें तो शायद इस तरह के केसेस का कोई नतीजा माजी में नहीं निकला। ये बात अलग है कि इस बार जो शहबाज गिल साहब की तरफ से जो बात मंसूब हो रही है, जो कुछ उनकी तरफ से किया, वो माजी में उस नौयत का देखने में भी नहीं आया। नातिक साहब,
चीजें आपके सामने है, सिनेरियो देखा जा सकता है, हाउ ट्रू हाउ पॉजिटिव इट इज फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, या ये जो कुछ हो रहा है कुछ और याद दिलाता है आपको? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें आपने जो स्टार्टिंग की रेड लाइन की ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या सुनना है, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। मेरा आपसे बात करना, आपका मेरे से बात करना इज वेरी डिफरेंट, बट मेरा कोर्ट से बात करना और कोर्ट का मुझसे बात करना इज वेरी डिफरेंट। मेरा पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन से बात करना और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें रूम रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुल्की लेवल पे, कौमी लेवल पे, ठीक है, कुछ बातें कह सकते हैं और कुछ बातें नहीं कह सकते, ठीक है। जो कुछ हो रहा है ये हम पास्ट में देखते रहे हैं, पास्ट के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर भी हमने दो तीन बड़े बड़े जर्नलिस्ट के साथ देखा, जिनके एक जर्नलिस्ट का नाम नहीं लूंगा, इस्लामाबाद में उनके घर पर रेड किया गया, उन्होंने आगे से रिटेलिएशन किया, पुलिस के पास कोई जो है मोहसिन बेग साहब वारंट नहीं थे, बट वो रिटेलिएशन हुई, तो वो व्हाट वाज दैट फॉर द सेम थिंग, ठीक है। अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसमें जो है ठीक है, वो हथकड़ियां लगी हैं, जो कुछ भी लगी अगर है, वो गलत था या वो सही था, वो भी गलत था, वो इस चीज को डिफाइन करता है कि इस बार ये किया जाए। हमें अपने आर पॉलिटिकल लीडरशिप स्टक देयर, वो माजी में। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट, हमें अब इस चीज को रिफॉर्म करना होगा, हमें अपने आप को जो है सीधा करना होगा, हमें अपना पाथ डिफाइन करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक्सट्रीमिज्म इन एनी फॉर्म इज रॉन्ग, ठीक है, चाहे वो राइट हैंड साइड पे हो या लेफ्ट हैंड साइड पे हो, एक्सट्रीमिज्म इज एक्सट्रीमिज्म। तो जो कुछ पहले हुआ, अगर वो उसको किसी और तरीके से किया जा सकता था, जो आज हो रहा है इसको भी किसी और तरीके से किया जा सकता था, बट इसके साथ हमें ये भी बताना हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए अगर वो मुल्क के खिलाफ हो रहा है तो पकड़ झगड़ तो होगी भाई, अगर कोई मुल्क के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ, डिसिप्लिन के खिलाफ बात कर रहा है तो उसमें सजा होनी चाहिए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। और जो बात हो, जिसने भी की हो, इररिस्पेक्टिव उसका स्टैचर क्या हो, कौन है, क्या है, प्रोफाइल क्या हो, फिर वो मुल्क से बड़ा, मुल्क के आइन से बड़ा हो नहीं सकता। लेकिन हारून साहब मुझे एक बात बताएं, जो तस्वीर आ रही है शहबाज गिल साहब की, या जो कुछ इस वक्त सहाफती बरादरी के साथ हो रहा है, ये नॉर्मल है? मुझे कहीं ना कहीं जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो मुझे 2007 की याद दिला देते हैं। बात यह है, मैं आपको बताऊं, आप ARY के ऊपर बैन लगा देते हैं, ठीक है, वाई मेरी, अभी मैंने आपको कुछ कहा है ना, मैंने कमेंट्स किया है, मैं जिम्मेदारी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे कमेंट्स का, वेनस चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरे कमेंट्स के ऊपर वेनस चैनल बंद कर दिया जाए, व्हाट इज दिस, मतलब आप तंकीद बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। दूसरी बात है, आप अरशद शरीफ, वो इतने अच्छे प्रोग्राम, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करता था, आप देखो उसके, वो बेचारा चला गया सर, एक अच्छा शाबिर शाकिर नहीं हो सकता, साबिर शाकिर, ठीक है, अयाज मेरी यार 70 ईयर, इतना मैंने साफियों में इतना पोलाइट और इतना विजिलेंट और इतना कूल माइंडेड मैंने किसी साफी को नहीं देखा है। आप देखिए अयाज मीर को सुने, आपको सुनने में मजा आएगा, वो जो बात करता है लॉजिक के साथ, और जिस तरह बात कर, बाज लोग इमोशन यूज करते हैं, अयाज मीर का कोई इमोशन नहीं होता है। आपने उसको, उसके कपड़े फाड़ दिए, आप आगे वही अदर फारूकी साहब, उसको मारा विदाउट वारंट लेकर आए। अब आप कह रहे हैं शहबाज गिल, शहबाज गिल की आप पूरी स्पीच सुनिए, आखिरी दो लाइन में इसने कहा क्या है, आखिरी दो लाइन में इसने कहा है कि अगर आइन के खिलाफ कोई बात करे, आपको ऑर्डर्स आए, अगर आइन के खिलाफ, हाँ मैं भी फौजी हूँ, मैं आइन का हल्फ उठाता हूँ, अगर मुझे आइन के जैसे है ना, मैं आपको बताऊँ, हमारे दीन ने, इस्लाम ने, हमने क्या कहा है कि अपने माँ बाप का हर हक ऑर्डर मानो, मानो, लेकिन अगर माँ बाप आपको कह के हिंदू बन जाओ तो आप उसका ऑर्डर नहीं मानो। लेकिन किसी को एडवाइस करता है, खैर वो अभी इसकी जुडिशियल क्या है वो मुझे नहीं पता है,
लेकिन अगर वो कहता है कि आप आइन से खिलाफ बात नहीं मानना तो वो इतनी इससे बड़ी मुझे मुझे इससे बड़ी बड़ी बात एक चीज ऐड करते हैं जो अल्फाज कहे जाते हैं हम भी प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम्स मोस्टली फिल्टर्ड नहीं होते जैसे होते हैं वैसे आवाम तक पहुंचा दिए जाते हैं इंटेंशन डज इट मैटर कहने वाले शख्स की इंटेंशन क्या होगी क्योंकि आमतौर पर हो सकता है स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है काफी सारे लोगों के साथ सियासी हमारे बड़े सारे नामवर लीडरान रहे हैं माजी में आज भी बहुत कुछ तकरीर में कहा जाता है तो इसका भी कोई पैमाना हो सकता है क्या मतलब कि इफ समवन हैज इंटेंशन और नॉट ऑब्वियसली होना चाहिए ना उसका इमोशनल स्टेट क्या था उसके साथ आप क्या कर रहे थे वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा हुआ था आप उसकी जो हमारे यहाँ आर्मी के अंदर इस तरह का अगर कोई केस हो जाता है तो आप सबसे पहले आप तो हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं और यू कंसीडर शहबाज़ साहब हम इसमें काउंसलिंग करते हैं अगर कोई है ना जैसे आर्मी के अंदर ऐसे बाद दफा सिचुएशन ऐसी होती है कि छुट्टी नहीं मिल रही है और ना कंटिन्यूसली ना वॉर ड्यूटी के ऊपर बॉर्डर ड्यूटी पर लगा हुआ है तो ट्रूप्स है ना हमारे वो बिदक जाते हैं बाद दफा हालात खराब हो जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग होती है ऑफिसरों की भी काउंसलिंग होती है फिर हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं कि जी प्रॉब्लम क्या है कि इसने ये बयान क्यों दिया ऐसे नहीं होता है कि उठा के चले मैं आपको बता देता हूँ उसने गलत बात की है जो भी की है गलत बात की आपने एफआईआर काट दी ठीक है एफआईआर काट दी उसको आपने रिमांड में दे दिया एक दफा रिमांड दे दिया आप कितने साल के हो गए हैं सर मनीष भाई सर 32 32 32 में आपने कभी इयर्स में आपने सुना कि एक दफा रिमांड हो गया फिर वो जुडिशियल हो गया उसके बाद दोबारा रिमांड मिला मुझे एक केस बता दो पाकिस्तान में एक केस ऐसा था भी तो नहीं ना सर केस भी तो ना 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 सर आपने रिमांड देना था आप रिमांड दे देते चार दिन का दे देते दस दिन का दे देते वन सिंगल वन रिमांड और उस रिमांड के बाद आपको अगर वो पुलिस कहती है कि मुझे रिमांड में क्या होता है सुने मैं आपको कुछ भी नहीं होता है ना वो तो उसको लितर मारे नंगा करके भगोले लितर मारे उसको ठीक है ना उसके चारों तरफ जख्म दे रिमांड में यही हमारे यहाँ तो यही होता है नहीं आया रिपोर्ट में तो कहीं भी रिपोर्ट आपको रिपोर्ट में तो प्लेटलेट्स भी है ना नीचे आ गए थे भाई पूरा सही साल से मैं आपको बता देता हूँ आप मेरी रिपोर्ट निकाल दे मैं अभी अपना अपने आपको सारी रिपोर्ट से बना के दे दूंगा आप बताए कौन सी कैंसर का मरीज बना दू सब हारू सब वो ठीक है मैं अपने आपको कैंसर का मरीज बना दू नहीं नहीं सर कम हो जाते हैं यहाँ पर तो है ना वो शहद की शहद भी क्या शहबाज़ गिल साहब को माफी मांगनी चाहिए बिल्कुल स्टेटमेंट को ऑन करते हुए अगर गैर मशरूत माफी मांगने पे उनको जेल से बाहर निकाल दी जाए उन पे केसेस खत्म कर दिए जाए तो जेलों में जो लोग भरे हुए हैं नहीं नहीं मैं तो जवाब कर रहा हूं वो तो माफी जेल सजा वो अपनी जगह लेकिन इस बात को समझना तस्लीम करना कि कोई चीज हुई है गलत हुई है और उस पर माफी मांग देना एटलीस्ट पहला मरल तो होना चाहिए ना फिर उसके ऊपर अगर कानून किस तरीके से अपना इंप्लीमेंटेशन करता है देखिए जी मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ श्री मजारी साहबा की बेटी ने ना कहा था उसने मशरूत माफी उसने फौरन माफी मांग ली माफ हो गया इससे ज्यादा बोला था बजवा साहब का नाम लेकर बोला था ना श्री मजारी की बेटी आगे चलते हैं सर ये गलती नहीं हो गई नहीं नहीं चले हमारे मरियम नवाज मैं मरियम बात ये जावेद लतीफ बात कह रहे हैं जो वीडियो हो रहा होगा जावेद लतीफ सारा साइलेंट होता जाएगा सर क्यों साइलेंट होता रहेगा नो वन इज परफेक्ट ना बात तो है ही नहीं अकले कुल की तो बात है ही नहीं लेकिन मैं एक सवाल आपके पास छोड़े जाता हूँ मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है मुद्दा यह है कि अब इतना कुछ हो रहा है हम असल इश्यूज की तरफ नहीं आ पा रहे फिर हम नवंबर की तरफ देख रहे हैं फिर हम ये देख रहे हैं कि क्या खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं दो दिन पहले ही रूमर चला पूरे मुल्क में लोग पॉकेट्स में सड़कों पर आए और फिर बहस ये नहीं थी कि लोग क्यों निकले या ये हो रहा है या नहीं हो रहा बहस ये थी कि देखें इधर 10 लोग निकले उधर 1000 लोग निकले एक तबका उसी तस्वीर को देख के कहता था ये तो थोड़े से लोग हैं
और एक तबका कहता देखो पूरा मुल्क बाहर आ चुका। सर ये बहस ये लेवल हो चुका हमारी बहस का, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त ये तस्करा हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासी लीडरशिप का एक किरदार रहा और उसमें गिरफ्तारियां भी देखी गई, माजी में बड़ी सारी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस वक्त इस बात की तरफ बहस आ जाना कि खान साहब के हवाले से जो मुकदमात हैं जो इस वक्त समाज जारी भी है उसमें खान साहब को गिरफ्तार करने का जो इंदिया दिया गया था वो किस हद तक सही था, या महज ये एक लिटमस टेस्ट था कि कहीं ना कहीं जो सूरत हाल उसको जांचा जाए। नातिक साहब योर इनसाइड इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट इस वक्त किस मूड में है और खान साहब के हवाले से गवर्नमेंट क्या इरादा रखती है, एनी इनसाइड इंफॉर्मेशन? देखिए देयर इज नो इनसाइड इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जिस तरह मेरे साहब ने बताया भी कि जी आजकल की यूथ जो है बड़ी इंफॉर्मेटिव है, तो बात ये है आपको यूथ में काउंट करती है, मैं धोई यूथ माशाल्लाह तो बात यह है जी कि एक अफवाह उड़ी कि जी इमरान खान साहब को जो है उड़ाई गई डेफिनेटली देयर मेनी क्वार्टर्स। धीरे दाखला आकर खुद कहता है भाई जरा ना सुनाओ लगे दिमाग में अरेस्ट करना है, अरेस्ट करने इसको अरेस्ट तो नहीं होना सर, एफआईआर हो गई तो अभी तक अरेस्ट तो नहीं, जब अरेस्ट होगा फिर बात करेंगे ना, अरेस्ट हो गया एफआईआर हो गई आकर बयान देता है कि हमें अरेस्ट करना है और उसके बाद एफआईआर भी हो जाती है और आप कहते हैं ये अफवाह है, तो सर अरेस्ट तो नहीं होना। देखिए अफवाह तब जो है वो होगी कंफर्म होगी जब इमरान खान को बनीगाला की जो है दरो दीवार से बाहर निकाल के पुलिस की बैनर बैठा के जेल खाना जात के अंदर जो है जमा कराया जाएगा। वो सही हो सकता है आपको होता हुआ नजर आ रहा है हालिया चंद दिनों में, देखिए ऐसे मनाजर देखे पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है ना ये बड़ी फिकल फ्रेंड है, ये इसका कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन सी चीज कहाँ टर्न ले ले और कब जो है वो चीजें किस तरफ निकल जाए। तो अभी लेट्स सी मौजूदा गवर्नमेंट में इतना यू सी के वो इस गिरफ्तारी को अमल में ला सकते हैं और वो अगर ये गिरफ्तारी होती, क्योंकि मैं इस तरह के स्टेटमेंट्स भी नजर से गुजरे हैं कि गालिबन एमक्यूएम की जानिब से ये बात कही गई कि अगर मजीद सहाफती बरादरी पे इस तरह का हुआ और अगर इस तरह के तरफ ऐसे मामलात को हैंडल किया गया तो शायद एमक्यूएम ना रहे। गालिबन जरदारी साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट ये कहा गया है जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि शायद पीपल्स पार्टी भी इस मामले पर उनके साथ मुतफिक ना हो। देखिए जी यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि माजी में भी जरदारी के ऊपर, जरदारी साहब पे और बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों के ऊपर जो है वो केसेस हुए और उन्होंने वो फेस किए, वो जेलों में भी गए उन्होंने फेस किए, तो इन इमरान साहब को भी चाहिए कि वो इन चीजों को फेस करें, आके अपने आप को बताएं। जेल में जाना चाहिए खान साहब को, जेल में जाके फेस, क्योंकि अगर उनको लॉ इजाजत देता है। कायदे आजम ने मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कभी मतलब बर्रे सगीर को दो हिस्सों में डिवाइड करा दिया, मुसलमान मुल्क अलग बन गया और गैर मुस्लिम मुल्क अलग बन गया, उन्होंने कभी भी अगेंस्ट द लॉ जाके कोई काम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा अगर खान साहब का बेल का रास्ता हो, अगर वो बिल कर सकते तो बिल का रास्ता अपनाए। जो 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 मैंने काफी देर से मैं इस बात को वो कर रहा हूं, जो आईन का रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता है, रूल ऑफ लॉ का रास्ता है वो अपनाए, वो अपने आप को पेश करें, केस को लड़ें, केस में अपने आप को जो है वो मासूम करार दें, जो भी करार दें और बड़े हो जाएं। लेकिन हारू साहब ये बात तो एक तरीके से फैक्चुअल है ना कि जो नातिक साहब फरमा रहे हैं कि आप चाहे अच्छा समझें बुरा समझें खामियां ही कह दें लेकिन जो आईन है वो मौजूद है और उसके रूप से आप बिल्कुल भी मुंह नहीं फेर सकते। इंटरप्रिटेशन ऑफ द आईन इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, आईन का अब ये भी अलग मौजूद है, आपको इंटरप्रिटेशन भी करना चाहिए। आपको देखिए, आप अगर मुझे कोई दहशतगर्द मुझे बोल देगा, मैं आर्मी पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मुझे आप दहशतगर्द बोल देंगे किसी बात पे? यार दहशतगर्द इज समथिंग एल्स, टेररिस्ट सर, टेरर सॉरी सर, लेट मी टेररिस्ट है, दहशतगर्दी क्या है? टेररिस्ट, what is the meaning of terrorist? Is he a terrorist?
आप यार उसके ऊपर चार्ज लगाओ कि इसने पैसे खा लिए, आप उस पर चार्ज लगाओ उसने बेईमानी की, आप उसके ऊपर चार्ज लगाओ कि इसने तोशा खान से नाजायज तरीके से ले लिया, आप इसके ऊपर लगाओ कि आपने फॉरेन फंडिंग है ना गलत नाजायज किया अपने जेब में डाल दिया, आप इसके ऊपर चार्ज लगाओ कि उसने ना अपनी अपनी जो उनको जो सीट मिली हुई थी जो उनको पोर्टफोलियो मिला हुआ था उसका उसने नाजायज इस्तेमाल किया, लोगों को नौकरियां दी, लोगों को है ना लोगों से रिश्वत खाई, ये सारे चार्ज लगाओ। जनरल मुशर्रफ को ट्रेटर कह देते हो यार, ही इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसको आपने ना ट्रेटर कह दिया, ही इज द देश, क्या मतलब यार, मतलब ये गद्दार है। अब जिसका हमारे यहाँ पता है जिसका मुंह जिधर चाहता है गद्दार, ये फलां सर्टिफिकेट्स मतलब ऐसे सर्टिफिकेट्स बटते हैं बाप रे बाप। टोटली डिसएग्री। ठीक है अब अगर ये कोई कहे कि जी मैं जो है सर्टिफाइड मुफ्ती हूं और मैं मुफ्तियों वाला काम नहीं करूं तो मैं मुफ्ती नहीं हूं। सही। ठीक है। इस बात से योर एक्शंस शुड बी योर एक्शंस पोर्ट्रे कि आप क्या हैं। ठीक है। अगर मुक्ति बहानी 1975 में चले जाते हैं, आजकल राशिद मिन्हास शहीद निशाने हैदर की हम कहीं कहीं सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसमें मतीउर रहमान जो है ही वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर, एन एयरफोर्स ऑफिसर, बट सिंस ही डिफेक्टेड ही वाज वर्किंग ऑन इंडियाज डिजाइन, ही वाज वर्किंग ऑन एंटी पाकिस्तान डिजाइन, तो ही वाज अ टेररिस्ट। अच्छा। अ पर्सन हु सेज थिंग और हु डू थिंग। मैं अगर मैं आतिक साहब एक सवाल करूं कि इस जो शख्स इस स्टेट में हो और उस पर चीज साबित ना हो जाए इन टर्म्स ऑफ कोर्ट्स, अभी कोर्ट्स में जाना है ट्रायल ऑन यू नो द प्रोसेस, उस वक्त से पहले किसी को डिक्लेयर कर देना, ये जो मामला देखें ये तो जी हम में से कोई भी नहीं कर रहा, बट हमारा सोशल मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है। ठीक है। तो आवाम के लिए, आवाम के लिए वो मेरे ख्याल में भी मैटर नहीं करता जब तक कि चीज कोर्ट ऑफ लॉ में चल रही है कन्विक्टेड और जो है वो उसको मुजरिम करार नहीं दिया जाता, मतलब तब तक तो जी सोशल मीडिया पे आके कोई कुछ भी बोलते दैट डजंट मैटर। आरओ साहब फाइनल कमेंट्स, क्या आप ये समझते हैं इमरान खान गद्दार है? नहीं, इनके समझने या मेरे समझने से कुछ मैं हर उस बंदे को टेररिस्ट गद्दार समझूंगा जो मुल्क के खिलाफ, आईन के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आईन के इदारों के खिलाफ, आईन के डिफेंस के खिलाफ बात करेगा, आप बताएं, इंस्टिगेट करेगा वो टेररिस्ट। मुझे आप बताएं कि उन्होंने क्या खिलाफ किया? देखें उन्होंने क्या जो वो बयानात देते हैं, बयान अच्छा, मुझे 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 सिर्फ एक बयान आपके जवाब का सवाल इस सवाल के अंदर है, जो वो जो है वो पर्चा लहराते रहे कि ये था नहीं पर्चा, क्या पर्चा था तो दिखाए ना, दिखाया तो सही, इधर दिखाया सर, जो वो आर्मी ने इसको आर्मी ने साइफर वाज देयर आर्मी एंडोर्स किया, क्या एंडोर्स किया? हां एंडोर्स, आर्मी ने एंडोर्स किया उसके ऊपर, कहा कि साइफर था इसके अंदर, थी साजिश नहीं थी, थ्रेट था, एक्सेप्ट किया है, तो थ्रेट था सर, साजिश तो नहीं थी ना। अब आप उस पर्चे को लेके जो है लाते रहे पर्चा, एक दिन बाद सुना आज पर दी लॉ, आज पर दी लॉ, ही कैन नॉट, आपको मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, ही कैन नॉट शो यू, ही कैन शो अस इफ ही इज, नो नो नो, उस वक्त की चीफ जस्टिस साहब ने और उस वक्त पाबंद भी किया गया था कि जिस तरह का जो डॉक्यूमेंट वो पब्लिक नहीं किया, पब्लिक नहीं हो सकता है। मैं एक छोटी सी छोटी दो मिनट टाइम भी ज्यादा ले, जब इमरान खान साहब जिस दिन उनकी सीट उतरी तो उस दिन उन्होंने एक छोटी सी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो मुनक्कद की गई थी, जिसके अंदर जो है वो रऊफ क्लासरा जैसे बड़े बड़े नाम जो है वो मौजूद थे। उस वक्त भी वो कहते हैं कि उस वक्त भी खान साहब जो है वो पर्चा लहराते रहे, मगर हमने उनको कई दफा कहा कि सर एटलीस्ट, रऊफ क्लासरा अरशद शरीफ ने वो पर्चा देखा है, उसकी स्टेटमेंट सर सुने क्या वीर के उन्होंने देखा, क्योंकि ये साइफर तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने भेज भी दिया है। सुने मैं आपको बताऊं, उसने यहां तक खान साहब ने यहां तक कहा कि भाई आप चीफ जस्टिस साहब को कहा कि आप हमें बुलाएं, हम आपको साइफर दिखा देते, ठीक है ना, क्यों नहीं बुलाया,
हारू साहब एक मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, यकीन तौर पर इस वक्त जो गुफ्तगू थी कोशिश तो थी कि हम इसको जारी रखें, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हमें इस बात की इजाजत नहीं देते। लेकिन एक सवाल ये छोड़े जाते हैं आपसे कि इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, चाहे वो किसी के लिए अच्छा या किसी के बुरा हो, लेकिन रेड लाइन जो होती है किसी भी मुल्क की, वो उसकी सालमियत की होती है। जहाँ बर्फ उसकी सालमियत पर आता है तो फिर हर शख्स, हर इदारा उसके पीछे खड़ा होता है, और वही एक आम एक कौम का वतीरा होना चाहिए, एक कौम का सरमाया होता है कि जहां उसके मुल्क पे कोई हरफ आए उसके साथ वो कौम खड़ी नजर आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।